दोस्तों, इस दुनिया में बहुत जगह ऐसी है जो भूतियाँ हैं। आज हम आपको बिहार में ऐसी ही जगहों के बारे बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। नंबर एक, राजधानी पटना और औरंगाबाद को जोड़ने वाली सड़क बिहार के हॉन्टेड जगहों में से एक है। इस रोड पर कई रहस्यमयी एक्सीडेंट हुए हैं, जिसके वजह से इस रोड पर लोग रात तो दूर की बात है, शाम को भी जाने से डरते हैं। लोगों का कहना है कि इस रोड पर आत्मा भटकती है और रात को रोड पर घूमती है और आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। नंबर दो, आपने मधुबनी पेंटिंग के बारे में तो काफी सुना होगा, लेकिन मधुबनी में एक ऐसा गांव भी है जहां शाम को जाने से लोग डरते हैं और नाम सुनने से ही उनकी रूह कांप उठती है। इस जगह का नाम मधुबनी तालाब है। वहां के लोगों का मानना है कि मधुबनी तालाब में यात्रियों से भरी नाव एकदम से डूबने लगी और इसमें करीब 50 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद से इस तालाब में कोई भी नाव नहीं चलता है। नंबर तीन, बिहार की डरावनी जगहों में जालान संग्रहालय भी मौजूद है। इसे किले घर के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का कहना है कि इस जालान संग्रहालय में आत्माएं घूमती है। नंबर चार, बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसा बंगला है जिसे लोग भूत बंगला कहते हैं। इस बंगले में कई हॉन्टेड घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इसका नाम भूत बंगला पड़ गया है। इस बंगले को लेकर लोगों का कहना है कि इसमें आत्माओं का कब्जा है। नंबर पांच, बिहार के सिवान में कई ऐतिहासिक घूमने की जगह है, लेकिन सिवान जिले में एक कब्रिस्तान है जिसे हॉन्टेड प्लेस जगहों में से एक माना जाता है। इस कब्रिस्तान के आसपास भी शाम को जाने से लोग डरते हैं। यह कब्रिस्तान कई अनसुनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। लोगों का कहना है कि इस कब्रिस्तान के पास देर रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। उनका कहना है कि रात में यहां भूत प्रेत घूमते हैं।